निज़ा शहज़ादी विंजी शेफ़ किचन की तरफ से मैं हाज़िर हुई हूँ। सब दोस्त कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो विंजी शेफ़ किचन को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए चलिए आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू मटर और अंडे। तो आइए चलते देखते हैं कि आलू अंडे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये मैंने लिए आधा किलो आलू और एक पाव मैंने मटर लिए हैं, चार मैंने अंडे लिए हैं और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का मैंने इसको ग्राइंडर कर लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। और ये मैंने प्याज लिया है एक बड़ा, जिसको मैंने ये बारीक बारीक हिस्सों में काट लिया है। एक बड़ा टमाटर लिया है और जो मुझे मसालों की ज़रूरत है उसमें हल्दी ली है मैंने 1 टेबल स्पून, काली मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून और ये मैंने सूखा धनिया लिया है 1/2 टेबल स्पून और लाल मिर्च ली है 2 टेबल स्पून और 1.5 चम्मच मैंने लिया है नमक। तो सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो मैंने पतीली में ऑयल डाला है जिसको गर्म होने तक रुके। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज जो बारीक पीसों में कटा हुआ है, इसको हमने सिर्फ ब्राउन करना है। हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो रहा है, ये देखिए बिल्कुल लाइट सा हो गया। इसको हमने थोड़ी देर रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, आलू अंडे जो है वो उसको हम डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं और मटर डाल के बनाए तो उसका जायका और भी अच्छा रहता है। इसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, वो जल्दी से लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें और मुझे नीचे कमेंट करके बताया गया कि मेरी रेसिपी जो है आपको कैसी लग रही है, आपने ट्राई की है। अगर आप बना के मेरे साथ पिक्चर शेयर करना चाहते हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है, इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना क्योंकि प्याज में उसकी रूखी चेंज हो जाती है। मैंने बस इसको इतना सा लाइट करना है। मैं इसमें डाल रही टमाटर, इसी के अंदर मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अदरक लहसुन को इसलिए मैंने ग्राइंड कर लिया है कि इसकी जो ग्रेवी होती है वो बड़ी अच्छी बन जाती है। अगर आपका दिल करे तो आप प्याज को भी चॉप कर सकते हैं मशीन में, लेकिन इतना ज़्यादा ग्रीन ना उसको करें। आपका मसाला जितनी अच्छी तरह से भुना हुआ होगा तो आपकी ग्रेवी और सालन का जायका उतना ही अच्छा होगा। सारा जायका ही आपका मर जो है वो आप अपने जायके के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे काली मिर्च बहुत पसंद है और इसलिए मैं काली मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। हमारा इस तरीके का बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी आलू, आलू आपने हमेशा थोड़े मोटे रखने हैं। जितनी देर तक हमारा शोरबा रेडी होता है आलू मटर, जितनी देर तक हम पास
अंडे अपने बॉयल कर लेते हैं। ये मैंने चार अंडे लिए थे, ये मैं इसमें पैन में डाल दूँ। ये देखते हैं हमारे जो अंडे हैं वो बिल्कुल छिलके बिल्कुल उतर गए हैं। ये देखें हमारे बिल्कुल।